पति पत्नी के झगड़े में पत्नी की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। उसके मायके वालों ने हत्या करने का आरोप ससुरालियों पर लगाया है। गुलाबनगर निवासी एक महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत हो जाने से महिला के घर वालों ने हत्या का आरोप लगाते हुए थाना किला में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पूजा पाठक पत्नी गोपेश दुबे निवासी गुलाबनगर की पत्नी पत्नी के बीच में झगड़ा हो जाने के बाद संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। पूजा पुत्री शुभम पाठक निवासी कन्हैया टोला की शादी 14 वर्ष पूर्व गोपेश दुबे पुत्र स्वर्गीय गोपाल स्वरूप दुबे निवासी गुलाबनगर के साथ हुई थी। गोपेश सिंचाई कार्यशाला इज्जत नगर में इलेक्ट्रीशियन के पद पर है और 7 साल के उसके एक बेटा भी है। पूजा के घर वालों का आरोप है कि गोपेश अक्सर पूजा को मारता पीटता था। रात में भी पति पत्नी में झगड़ा हुआ था और सुबह उसकी लाश पंखे पर लटकती मिली। पूजा के ससुराल वालों ने इसकी सूचना 6 बजे पूजा के पिता को दी थी। उन्होंने पूजा के भाई मोहित पाठक को भी सूचना दी थी। मोहित पाठक ने पूजा की ससुराल गुलाबनगर जाकर देखा तो पूजा का सब नीचे रखा हुआ था। इस मुद्दे पर क्या बोले हैं पूजा के भाई मोहित पाठक और उसके पिता, आप खुद सुनिए। अशोक कुमार पाठक। क्या हुआ था आपकी? सुबह फोन पहुंचा मेरे पास गांव में कि आपकी बेटी खत्म हो गई। जब मैं यहाँ आया तो देखा कि ये तमाशा है। रात में फोन 11:30 बजे पहुंचा था कि मेरी लड़की का कि मुझे बहुत मारा है, बहुत मेरी पिटाई करी है। उसके बाद ये सब सामने है। आज यही बताइए लड़की मर गई आपकी। अब उसमें जे भी लग रहा है मारी गई है, क्योंकि वो पंखा का सीन और बेड का सीन जो बता रहा है वो ये बता रहा है कैसे मारा गया है। मोहित पाठक। सुबह मेरे पास मेरे पापा का खबर आई कि पूजा की डेथ हो गई है। तब मैं देखने गया तो मुझे घर पे वो मृत मिली और जब पूछा तो उन्होंने कहा कि घर वालों ने फांसी लगा दी है, लेकिन वो बेड पर लेटी हुई थी ना, फांसी पर नहीं थी। घर वालों ने चोट के निशान भी हैं उसकी बॉडी पर। बाकी जो भी होगा पीएम के बाद क्लियर होगा।